नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर हुआ चुनाव। उत्तर प्रदेश की लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इसकी खास कवरेज ग्राउंड जीरो से जनता से ये जानने की कोशिश की गई कि उन्होंने वोट किस मुद्दे को लेकर किया है, जिसमें लोगों की मिली जुली प्रक्रिया मिली है। और कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, एजुकेशन, बिजली, पानी जैसी समस्याओं को उन्होंने इसमें बताया है। और कुछ लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही। लखनऊ से फरहान जैदी के साथ सिराज हैदर की रिपोर्ट। पहली बार मैंने देखा कि ऐसी पोलिंग हुई है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, ऐसी पोलिंग हुई है। तो इस टाइम सत्ता परिवर्तन से चल रहा है। तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखा चाहते हैं? अखिलेश। क्या लगता है कि उन्होंने क्या परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश के लिए? शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया है और ज़मीनी आदमी है, तो शिक्षा के लिए और प्लस जो है युवा के लिए बहुत काम किया है। तो शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। बाकी तो मेट्रो भी लखनऊ में जो भी है, ब्रिज बना है, जितना भी वो काम किया है, सब बहुत उसी ने किया है, मंत्री जी ने। चलिए, बहुत अच्छा। और आप तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, इसके बारे में किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, और क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो किसकी बने, चाहे वो योगी जी आए, चाहे वो मुलायम सिंह आए, चाहे वो हमारी अपनी ममता जी आवे, चाहे कांग्रेस की पार्टी का आवे, अच्छा काम करना चाहिए। और हमारा मकसद है, वोट देने का मकसद है, राम की सोच वालों को वोट दो, रावण की सोच वालों को नहीं। जो भी राम का चाहने वालों, राम क्या थे, एक सच्चे इंसान थे, हम उनको वोट देंगे। राम के चाहने वालों को वोट देंगे, राम भक्त को वोट देंगे, लेकिन रावण के मानने वालों को वोट नहीं देंगे, रावण की सोच रखने वालों को वोट नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। और इस तरीके से जो पब्लिक का जो रुझान है, पब्लिक का भी बात को इस तरीके से आपने सामने रखा, तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरणों के चुनाव हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए? तो मैं चौथे चरणों पर चुनाव जारी है, और आइए हम पब्लिक की राय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे और क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए। जी बताइए, पहले तो अपना नाम बताइए, क्या है नाम? दिलाया जाए जी। तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई सरकार देखी जाए तो अखिलेश जी की बननी चाहिए हमारे, इसके लिए मेहनत की है, रोजी मिले, रोजगार मिले, ये लॉकडाउन ने सब बर्बाद कर दिया। तो अखिलेश ने ऐसा क्या काम किया है? अखिलेश ने बहुत कुछ किया है, मेट्रो बनाई, नौकरियाँ दी, सभी कुछ दिया। तो ऐसा क्या योगी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो अखिलेश ने किया? 5 रुपये राशन दिया और क्या किया? और क्या लगता है कि शिक्षा के मामले में योगी सरकार से क्या? अखिलेश अच्छी कोई सरकार नहीं, ना आएंगे ना आ पाएगी। चलिए, आपसे जानना चाहते हैं क्या नाम है आपका? तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चौथे चरणों में चुनाव जारी हैं और जोरदार तरीके से मतदान हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या राय है, किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश यादव जी की सरकार बननी चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा चुनाव का भी काम किया, एजुकेशन लाइन सेक्टर में बहुत काम किया, जॉब बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हैं, एमएनसीज लाने वाले हैं, आप मल्टी नेशनल कंपनी लाने वाले हमारे, और इनकी सरकार जो बिल्कुल हीरो रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया योगी सरकार। और लॉकडाउन में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है जनता के साथ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं किया है, सिर्फ उठा बैठक लगवाई है नौजवानों से, और तो हमारा है लड़कियों से सीएनआरसी में झगड़ा करवाया है हमारा है, 2700-2800 जो है काउंटर किए हैं, 5000 के करीब क्या किया उसके अलावा? और अखिलेश ने जिस तरीके से काम कराया है उसके बारे में, उसके विकास के बारे में आपकी क्या राय है? मॉडल है अखिलेश यादव जी का लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में, वही काफ़ी है 2022 के चुनाव। तो जिस तरीके से बात हुई है जनता से, जनता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आनी चाहिए जी, तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, क्या कहते हो आप? हम काम करते हैं सीधे। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जारी है, मतदान हो रहे हैं, तो सरकार किसकी बननी चाहिए और सरकार से किस सरकार से आपको क्या लाभ हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए, और लाभ तो सिर्फ सबको पता, आपको ही पता है कि सिर्फ अखिलेश सरकार में, बाकी इसमें तो सिर्फ नुकसान ही होगा। योगी सरकार ने जिसकल जो राशन दिया है लोगों की, जो है राशन ही तो दिया, 5 किलो राशन में क्या होता है, नौकरी नहीं दी, बेरोजगार, एक महीने में 5 किलो में आवा घर।